सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कद्र नहीं करते। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पे रूठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो साग से टूटा नहीं करते। आज का पंचांग 29 नवंबर 2020 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 6:03 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:16 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। मेष राशि 29 नवंबर 2020 देर रविवार। आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगी। इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उसमें सौंदर्य बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकते हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। बच्चे अपनी पढ़ाई परीक्षा तथा प्रतियोगिताओं के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस हासिल होगा। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगी। नए काम की शुरुआत में प्रगति नजर आएगी। काम के द्वारा नाम और पैसा दोनों आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को बढ़ोतरी मिलने की आशंका है। परिवार संबंधित बातों में आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। नया व्यापार शुरू करते समय निर्णय क्षमता को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। काम के द्वारा किसी से हुई गलतफहमी रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगी। शुगर को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। निजी सचिव के पद पर कार्यरत अधिकारियों के लिए समय परीक्षा कर रह सकता है। पिता संबंधित चिंता रह सकती है। बोझिलपन झेलना पड़ सकता है। सावधानियां। आपके मित्र अथवा सहयोगी आपकी तरक्की में ईर्ष्या कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी कोई भी उपलब्धि किसी से शेयर ना करें। घर में मेहमानों के अचानक आगमन से सारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कुछ कार्यों में रुकावटें भी आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। मौज मस्ती में समय व्यतीत करने के साथ साथ अपनी पारिवारिक जरूरतों का भी ध्यान अवश्य रखें। आपकी लापरवाही की वजह से जीवन साथी के साथ तनाव रह सकता है। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहेगा। आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बनने दें। आज आप अपने पार्टनर के लिए कुछ खास कर सकते हैं और सबकी खूब प्रशंसा होगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आपको आज आपके कार्यस्थल में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास हो उससे मिल सकता है।
अगर आप उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुंध को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य स्थल के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। बात करते हैं सेहत की। आज आप मूड में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। आप एक पल काफी ऊर्जावान और दूसरे ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। वैसे इन सबका संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपके शारीरिक क्रियाकलापों से है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। आज का उपाय। आज आप तांबे या अन्य सिक्के को बहते हुए पानी में बहाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।